9 न्यूज़ में हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज हम आप सभी के लिए एक बार फिर से हमारा एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं ट्रेंडिंग बॉलीवुड। और हम ये भी जानते हैं कि आप सभी हमारे इस प्रोग्राम का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अरे भाई, इंतजार हो भी क्यों ना, बॉलीवुड से जुड़ी और आप सभी को अपने फेवरेट सितारे से जुड़ी तमाम मजेदार ट्रेंडिंग खबरों से रूबरू होने का जो मौका मिलता है। तो फिर आज हम आप सभी को एक बार फिर से बॉलीवुड से जुड़ी और आप सभी के फेवरेट सितारों से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों से रूबरू करवाएंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया, बॉलीवुड हर जगह छाई हुई है और काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। तो फिर बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और देखते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन सी खबरें हैं और कौन कौन से सितारे हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। बॉलीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के पति राज कुंद्रा हाल ही में लॉन्च ऑफ सिंगल तेरी याद में के लॉन्च पर मौजूद हुए थे और इसी दौरान राज कुंद्रा एकता कपूर के साथ कैमरे के सामने बेहद ही करीब आकर पोज देते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि ये गाना सिंगल तेरी याद में राज कुंद्रा ने डायरेक्ट किया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब राज कुंद्रा ने कोई गाने को डायरेक्ट किया है और इसी मौके पर राज कुंद्रा और एकता कपूर दोनों साथ में मिलकर पोज देते हुए नजर आए हैं। अपनी पत्नी शिल्पा को छोड़ एकता कपूर के साथ बेहद ही मस्ती करते हुए दिखाई दिए राज कुंद्रा। आप भी देखिए क्या कुछ खास रहा हमारे इस वीडियो में। सिज़लिंग एक्ट्रेस निया शर्मा हाल ही में स्टार स्टड टैलेंट ट्रैक अवार्ड्स में यहां पर शामिल होने के लिए पहुंची थी, जहां पर निया शर्मा ने अपने हुस्न के जलवे तो दिखाए लेकिन भरी महफिल में गिरते गिरते बची हैं। आप भी देखिए क्या कुछ खास रहा हमारे इस वीडियो में। श्रीदेवी और बोनी कपूर की लाडली बेटी जानवी कपूर ने फिल्म धड़क से बॉलीवुड में डेब्यू किया, ये तो हर कोई जानता है। इस फिल्म में जानवी कपूर ने बॉलीवुड एक्टर और डांसर शाहिद कपूर के सौतेले भाई ईशान खट्टर के साथ जमकर रोमांस भी किया और जब से इन दोनों की ये फिल्म रिलीज हुई थी तभी से इन दोनों के अफेयर को लेकर खूब चर्चा हो रही थी। हर कोई बस यही कहता हुआ नजर आया था कि ईशान खट्टर और जानवी कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों ने अपने रिश्ते पर कोई बयान नहीं दिया और साफ साफ इनकार कर दिया था कि ये दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे, बस एक अच्छे दोस्त हैं। वहीं आपको बता दें कि अब इन दोनों के प्यार का पक्का सबूत हमारे हाथ लग चुका है। सोशल मीडिया पर ईशान खट्टर और जानवी कपूर की एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें इन दोनों ने ही सेम स्वेट शर्ट पहनी हुई है। जी हाँ, सेम हुडी पहने हुए ये दोनों नजर आए हैं और दोनों ही काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दिए हैं। वेल, आपको बता दें कि तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ ईशान खट्टर ने रेड कलर की ये हुडी पहनी हुई है और कैमरे में
पोज देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं जानवी कपूर भी यही हुडी पहनकर अपने जिम लुक में नजर आए हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि भाई जानवी और ईशान कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए हैं। बस इंतजार है इन दोनों के रिश्ते को कबूलेगा। जी हाँ, हर कोई बस यही इंतजार कर रहा है कि कब ये दोनों अपने रिश्ते पर मोहर लगाएंगे। बॉलीवुड में इन दिनों स्टार किड्स का जलवा सातवें आसमान पर है, जहां स्टार किड्स में से जानवी कपूर, सारा अली खान, तैमूर, इनाया ये सब छाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ काजोल और अजय देवगन की बेटी न्यासा देवगन भी इन दिनों अपने हुस्न के जलवे बिखेरती हुई नजर आए हैं। जी हाँ, दरअसल हाल ही में न्यासा देवगन को मुंबई के बांद्रा इलाके में स्पॉट किया गया, जहाँ पर वो क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहने हुए बला की खूबसूरत नजर आई हैं। न्यासा देवगन की इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। उनका ये लुक काफी ज्यादा वायरल हो गया है। न्यासा देवगन बहुत कम नजर आती हैं, बहुत कम कैमरे में कैद होती हैं, लेकिन जब भी न्यासा देवगन को स्पॉट किया जाता है तो वो हर बार बेहद ही खूबसूरत अंदाज में नजर आती हैं, और उन्हें देखकर वाकई ऐसा लगता है कि DDLJ की काजोल एक बार फिर से वापस लौट कर आ गई हैं। बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक एक्टर रणवीर सिंह और बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ये दोनों ही इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गली बॉय को लेकर खूब चर्चा में बने हुए हैं, तो वहीं हाल ही में दीपिका और आलिया ये दोनों ही बर्लिन में अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए नजर आए हैं, तो इसी दौरान इन दोनों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें रणवीर सिंह अपनी पत्नी दीपिका को छोड़ आलिया के साथ विदेश में सड़कों पर खूब मस्ती करते हुए नजर आए हैं। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट बर्लिन में फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने गए हैं, और फैंस इन दोनों की फिल्म गली बॉय का भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेल, अब देखना ही होगा कि आखिरकार जब ये फिल्म रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस पर क्या कुछ धमाल मचाती हुई नजर आने वाली है। बॉलीवुड में आजकल रोमांटिक सीन करना एक आम बात हो गई है, लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने बॉलीवुड में कदम रखते ही खूब रोमांस किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस उदिता गोस्वामी की। उदिता गोस्वामी ने महज 14 फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों में वो अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने रोमांटिक सीन्स को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में बनी रही, लेकिन अचानक से उदिता ने बॉलीवुड को बाय बाय कर दिया। तो वहीं आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार उदिता अचानक से कहां गायब हो गई हैं। जानकारी के लिए बता दें कि डायरेक्टर मोहित सूरी ने 9 साल तक अफेयर रहने के बाद उदिता ने साल 2013 में डायरेक्टर मोहित सूरी से शादी रचा ली थी। दोनों एक बेटा और एक बेटी के माँ बाप भी बन चुके हैं। फिल्मों में सफलता नहीं मिली तो उदिता गोस्वामी ने प्रोफेशन बदल लिया। वो अब एक डिस्क जॉकी हैं, वो बतौर डीजे शो किया करती हैं। उदिता गोस्वामी ने प्रोफेशनल डीजे से बकायदा ट्रेनिंग ली हुई है। हाल ही में स्टार द टैलेंट इन ट्रैक अवार्ड 2019 में पहुंची वरीना हुसैन। जी हाँ, जहां पर आयुष की प्रेमिका के तौर पर भी अब वरीना को जानते होंगे फिल्म लव यात्री से। अब आप देखें यहां पर वरीना के अंदाज में अपने हुस्न के जलवों को बिखेरते, देखिए क्या कुछ रहा खास, देखिए हमारी इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। सो दिस इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग फेस ऑफ द ईयर। तो जब अपने यू नो टैलेंट को किसी टैलेंट को अप्रिशिएट कर किया जाता है तो कितना अच्छा लगता है उसके बारे में? वेल, बहुत अच्छा लगता है। यू ऑब्वियसली फील अप्रिशिएटेड एंड एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि यू नो पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू, योर वर्क इज गेटिंग अप्रिशिएटेड। वो इनकरेजमेंट मिलता है टू यू नो गो मोर एंड डू मोर।
वेल डिजिटल में से आई नेवर प्लान एनी थिंग आई डू वट एवर आई लाइक टू डू एंड आई डोंट नो मे बी समटाइम सून एनीथिंग यार आई एम अप फॉर एक्सपेरिमेंट्स एनीथिंग आई वुड लव टू डू व्हाटएवर यार ओके तो कैसा रहा आजकल शाम अवार्ड शो का शाम कैसे रही फैब यार आई एम सो हैप्पी अमेजिंग आई मीन आई एम स्पीचलेस ओके 2018 हो गया 2019 स्टार्ट हो गया क्या कुछ फैंस को नया मिलने वाला है 2019 में हो जाना चाहिए फैंस को नया मिलने वाला बिल्कुल मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा नाइस क्वेश्चन आई लेट यू नो सून आई लेट यू नो सुपर सून सबको सरप्राइज देना है एकदम से अचानक से हाँ शॉकिंग शॉकिंग इज बेटर नो एकदम से यार यू गाइस हैव ऑलवेज यू नो गिवन सो मच लव थैंक यू सो मच एंड कीप गिविंग लव Well, दोस्तों तो देखा आपने कि किस तरह से ये सितारे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं ये वही सितारे हैं जो इस वक्त हर जगह छाए हुए हैं और लाइमलाइट में रहने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं और हम जानते हैं आप सभी हमारे इसी प्रोग्राम का इंतजार करते हैं क्योंकि आप सभी को अपने फेवरेट सितारे के बारे में उससे जुड़ी हर एक चीज से जो हम रूबरू करवाते हैं लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल के लिए हमें दे दीजिए इजाजत लेकिन आप निराश न होइए इसी तरह से हम आप सभी के लिए ऐसी ट्रेंडिंग खबरें लेकर आते रहेंगे तब तक के लिए बॉलीवुड की बाकी चटपटी खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को